हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? लेट अस बिगिन द नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द पॉलीनोमियल्स, राइट? वी हैव लर्न अबाउट द पॉलीनोमियल्स इन चैप्टर 2. हियर व्हेन यू टेक अ पॉलीनोमियल इक्वल्स टू 0, व्हेन यू टेक अ पॉलीनोमियल इक्वल्स टू 0, दैट मींस fx इक्वल्स टू 0 एंड fx जो है यहां पर वो है पॉलीनोमियल. तो आप जब भी किसी पॉलीनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करते हो तो वो पॉलीनोमियल बन जाती है पॉलीनोमियल इक्वेशन. दैट पॉलीनोमियल इज कॉल्ड पॉलीनोमियल इक्वेशन, राइट? सो अगर आप एफ एक्स को एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लेते हो, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डन, यू हैव रिटन योर पॉलीनोमियल इन दिस वे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम एफ एक्स को कहेंगे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये अब अगर आप एफ एक्स को 0 ले लेते हो तो यहाँ भी हमारे पास बन जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. और हमने इस चैप्टर में यही स्टडी करना है इस पॉलीनोमियल के बारे में और इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं. जैसे जीरोस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो वाली वैल्यू जो आपकी पॉलीनोमियल को जीरो बना दे वो है जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल. और रूट्स क्या होंगे? वो वाली वैल्यू एक्स की पुट करने पर जिससे आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाए, तो हम ऐसे एक्स को बोलते हैं रूट्स, राइट? तो यहाँ पर जो हमारी राइट हैंड साइड है वो ऑलवेज जीरो ही रहती है, तो वो वाली वैल्यू एक्स की जिसको पुट करने पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो बन जाती है, तो ऐसे एक्स की वैल्यूज को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो देयरफॉर स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यू हैव टू लर्न दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. लेट अस कम ऑन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पॉलीनोमियल के जीरोस होते हैं, सेम चीज है, पॉलीनोमियल के जीरोस को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, मतलब किसी इक्वेशन के रूट्स. सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज इफ इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो जो भी आपके जीरोस होंगे पॉलीनोमियल के, वही आपके रूट्स बन जाएंगे किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. अदरवाइज तो हम रूट्स को ये भी कह सकते हैं कि वो वाली वैल्यू एक्स की जो इक्वेशन को राइट हैंड साइड बना दे, ठीक है? अब वो राइट हैंड साइड फिलहाल तो आपकी टेंथ में जीरो ही रहेगी, एज यू कैन सी हेयर द राइट हैंड साइड इज ऑलवेज जीरो. तो अगर इन केस यहाँ पर राइट हैंड साइड आपकी कुछ और हो जाती है, तब भी हम ऐसी वैल्यू को एक्स को हम इक्वेशंस के रूट्स ही कहेंगे. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं, 2020 में जो पेपर था उसमें बड़ा ही एक सिंपल क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स का. उन्होंने 4-5 पॉलीनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी और उन्होंने बोला कि इसको सेग्रीगेट करो, पॉलीनोमियल्स को अलग से लिखो और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अलग से लिखो. तो वहाँ पर एक दो स्टेटमेंट्स मुझे थोड़ी बहुत याद भी हैं, एक्चुअली आई डोंट हैव क्वेश्चन पेपर राइट नाउ. तो उसमें एक स्टेटमेंट ये भी थी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0, और एक स्टेटमेंट ये थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर -1. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करना है. अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट है एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3. हम इसको पहले एक्सपैंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारी जो जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, राइट? तो a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे कि क्या हमें वो सेम आंसर मिलता है या नहीं, इस फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है या नहीं. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस क्वांटिटी को आप अगर आप इधर लेके आते हो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2. इन द पार्ट 2 वी हैव x इनटू x प्लस 2,
plus 8 equals to x plus 3 x plus x minus 2. In the same way, you will solve this equation. Simple calculation hi hai ye, x square plus x minus 6. Right? So x square aapka cancel ho gaya. X plus 8 plus 6 equals to 0. X plus 14 equals to 0. तो अगर आप इसको कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो सरासर एक गलत होगा, क्योंकि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. ए जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए. तो अगर आप इसको बोलो कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू जीरो, तो ये गलत होगा, विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में जो, अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, एज यू कैन सी द एक्स इज इन द डिनोमिनेटर, तो एक्स कभी भी डिनोमिनेटर में होगा, तो ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन सकती है. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखो तो x की पावर नेगेटिव है, तो अगर x की पावर नेगेटिव है तो ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगी. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ये जो चार ऑप्शन थी, ओनली क्वेश्चन नंबर वन इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओनली पार्ट वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी नॉट पॉलिनोमियल. तो बाकी ये जो तीन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. Now student, let's check the whether the given values are solution of given equation or not. तो simply question है, simple है, आपने x की value को 2 put करके देखना है. अगर तो आपकी ये जो right hand side 0 है, अगर आपकी right hand side 0 बन गई है तो आप कहोगे कि ये इसके zeros हैं. So put तो आप इसमें x को 2 पुट करोगे. आफ्टर पुटिंग x इक्वल्स टू 2, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी एग्जैक्टली सेम मिल गई है आपको. सिमिलरली हम x को 1 भी पुट करेंगे, तो 1 पुट करने पर देखते हैं कि क्या हमें सेम आंसर मिलता है या नहीं. तो 1 पुट किया मैंने, तो देखो 1 पुट करने पर भी हमें 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0. तो हम कहेंगे देयरफोर x इक्वल्स टू 2 एंड 1 x इक्वल्स टू 1 आर द रूट्स, और आप सॉल्यूशंस भी बोल सकते हो क्योंकि स्टेटमेंट में सॉल्यूशंस पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1. तो अब हम सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी एज इट इज करेंगे. तो सेकंड इक्वेशन में मैंने x को रूट टू पुट किया, 2 प्लस 2 माइनस 4 0 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू रूट 2 भी आपका सॉल्यूशन है. तो अब हम पुट करेंगे x को माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर. तो आप देखोगे कि ये तो 0 के इक्वल नहीं है, ये -16 इज नॉट इक्वल टू 0. तो आप कहोगे therefore x equals to 2 root 2, x equals to root 2 is solution of equation 2, but x equals to minus 2 root 2 is not solution of equation number 2. तो ये आपका solution नहीं आया क्योंकि इसमें left hand side is not equal to right hand side. So student, rest question we will cover in next video. Thank you students.